हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 7 की। ओके, आज के इस वीडियो में अपने क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। अगर बात करें अपने चैप्टर नंबर 7 की तो इसके 3 पार्ट हैं। ओके, तो अपने ये ज़्यादा आप यही सोचो कि मानो कि ये 3 पार्ट्स के अंदर से आपको मैक्सिमम जो है 1 क्वेश्चन और 2, और 3 पार्ट में से क्वेश्चन भी जो हैं इनके लगभग आप ये मान के चलो कि अगर आपको उस चैप्टर के उस पार्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक भी पता है तो आप उसको कर दोगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं दी हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलकियाँ। क्या मतलब होते हैं? भारत की झलकियाँ। इसके 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है गोवा की। ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर की बात की गई है। क्या है ये बेकर, ये अपने पढ़ेंगे। तो आप इसको ये मान के चलो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो बात की गई है वो गोवा के बारे में बात की गई है। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं लूसियो रॉड्रिक्स। इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है? लूसियो रॉड्रिक्स। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इस चैप्टर की मेजर हेडिंग है 7 की, और पार्ट 1 है ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिक्स का ये लिखा हुआ है। इस चैप्टर में बताया गया है अबाउट दी बेकर के बारे में, ठीक है। अबाउट दी बेकर, कहाँ के बेकर? ये गोवा के बेकर बोले तो पाव बेचने वाले, ठीक है। पाव भाजी खाई होगी आपने, ब्रेड देखा है वो पाव भाजी वाला, वो ब्रेड बेचने वाले, उसको क्या बोलते हैं? बेकर। और इसके साथ साथ उसको क्या बोलते हैं? पैडर। तो गोवा के जो लोग हैं इनका जो कहते हैं इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जो प्रोफेशन था पुराना वो क्या था? वो पाव बेचने का था, वो ब्रेड बेचने का था, जिसे बेकर कहते थे। और बेकर को क्या बोला जाता था? पैडर बोला जाता था, ठीक है। पीपल ऑफ गोवा, जो गोवा के लोग हैं, पीपल ऑफ गोवा आर स्टिल नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है स्मृति, किसी चीज की यादों में खोए रहना नॉस्टैल्जिक होता है। अबाउट द ऑल डेज ऑफ बेकर, गोवा के लोग हैं अब भी वो उसकी स्मृति में, अतीत की उस स्मृति में खोए रहते हैं, उन पुराने दिनों में जब वो बेकर का काम किया करते थे उनके पूर्वज, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि ईटर्स आर नॉट मच ऑन देयर बट मेकर्स आर स्टिल अवेलेबल ऑन देयर। हालांकि क्या है कि वहां पर अब खाने वाले लोग उतने नहीं रहे, लेकिन फिर भी बनाने वाले लोग अब भी वहां पर है। क्या चीज है? बेकर, जो पैडर, बेकर जो बेचने वाले को पैडर कहते थे। ये कहते हैं कि वो जो ब्रेड है ना, जो वो बेचा करते थे, बेकर ब्रेड जो बेचा करते थे
वो ब्रेड आज खाने वाले इतने नहीं हैं, लेकिन वो बनाने वाले, कहने का मतलब अब भी कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो अपना वही प्रोफेशन कर रहे हैं जो उनके पूर्वज किया करते थे, लेकिन अब इतना ये एक प्रोफेशनल नहीं है। पहले ये एक प्रकार का प्रोफेशन था वहाँ पे, और कहा करते थे कि जिनके घरों में या जिनके पेरेंट्स ये काम किया करते थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ करते थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, हष्ट पुष्ट होते थे शरीर में भी, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद ये पैडर्स की फैमिली से हैं, ये ब्रेड मेकर्स की फैमिली से हैं, ये बेकर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्नेस ऑफ ब्रेड मेकर्स, फर्नेस ऑफ ब्रेड मेकर्स आर इजली सीन ऑन देयर, वो जो भट्टियाँ थी उन और वो जो ब्रेड की सुगंध थी, लेखक कहते हैं आज भी अगर आप वहाँ जाओ ना उसको महसूस कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, किसको, उस फर्नेस को, उस सुगंध को, उस भट्टियों को जिन पे वो ब्रेड बनाया करते थे, वो आज भी वहाँ पर उनकी आप फीलिंग या कह सकते हो उनको अनुभव कर सकते हो, ठीक है। बेकर कॉल्ड पैडर, उसको क्या कहा जाता था, पैडर कहा जाता था ही। लेखक कहते जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम बड़ा इंजॉय करते थे उसको देख के, ही यूज्ड टू कम ट्वाइस ए डे, वो एक दिन में दो बार आया करता था हमारी गली में, ऐसा लेखक अपना अनुभव बताता है गोवा के अंदर। वंस, पहली बार तब, या कह सकते हो फर्स्ट, एट फर्स्ट, पहले प्रथम एट फर्स्ट, सबसे पहले वो कब आता था, ही व्हेन ही, जब वो सेट आउट अपना सेटअप लगाता था उस टोकरी का, व्हेन ही सेट आउट द ब्रेड्स, ठीक है। एंड सेकंड, दूसरी बार, व्हेन, जब ही रिटर्नड हिज होम एट इवनिंग, तो ये देखो ये कहता है कि हमारी गली में दो बार आया करता था, एक तो जब वो सेटअप लगाता था सुबह तब, और जब वो शाम को वापस लौटता था तब, ठीक है। हम लोग है ना उसके पीछे दौड़ते थे, ठीक है। नरेटर कहता है कि वी रन टूवर्ड्स द बेकर्स फॉर ब्रेड बैंगल्स, हम जो है इस बेकर की प्रेडर की ओर दौड़ते थे ब्रेड बैंगल्स की लेने के लिए। उसकी टोकरी होती थी वो ऊंची होती थी, फिर हम कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, या फिर वो उसकी टोकरी को नीचे करवा कर फिर अपनी पसंद का ब्रेड वहाँ से लेते थे, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं, ठीक है। अब जो उसका हिसाब किताब है उसके बारे में ये बताते हैं कि वो महीने में दो, मतलब कि दिन में दो बार आया करता था, लोग उसके पास, मतलब कि पहले इतने ईटर्स थे उसके कि लोग, उसका प्रोफेशन था जो वो बहुत ही अच्छा माना जाता था, एक बेनिफिशियल था, एक लाभदायक प्रोफेशन था ये, ठीक है। और कहते हैं कि हम उसका जो है बिल मासिकली या मंथली बिल उसका पे किया करते थे, हम उसका जो रिकॉर्ड है ये कहते हैं कि पेंसिल से ऑन वॉल दीवारों पे लिखा करते थे, किसका, जो ब्रेड बैंगर्स का जो रिकॉर्ड होता था जो हम महीने में जितना खाते थे, उसके बाद फिर हम उसको पे किया करते थे। और अभी भी वहाँ जाकर जाते हैं तो अपनी यादें ताज़ा हो जाती है, लेखक कहते हैं। और ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं, हालांकि इतने ईटर्स नहीं ली वहाँ पर रहे, लेकिन बनाने वाले अब भी जो उनके पूर्वज थे, उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ अब भी उनके प्रोफेशन को थोड़ा बहुत या कह सकती हो थोड़ा सा मीनर वे में चला रही हैं, ठीक है। और इसको बेकर को पैडर कहते थे, और वो दो बार आया करता था, और बच्चे उसके पास ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे, लोग वहाँ की अतीत की स्मृति में अब भी खोए रहते हैं, उन बातों को बताते हैं कि कैसे ब्रेड बैंगल्स का बिजनेस उस टाइम उन दिनों में रहा करता था।
और जो है उसको ये क्या बोला करते थे, ये पैटर बोला करते थे, और वो उसका जो हिसाब किताब है ये एक दीवार पे अंकित किया करते थे और उसको पे मंथली किया करते थे। और इस प्रकार जो लोग हैं उनका ये प्रोफेशन बना हुआ था किसका, बैकर का, जिसको पैटर कहते हैं, और ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। अब अपने बात करें इसके पार्ट नंबर सेकेंड की, तो पार्ट नंबर सेकेंड के अंदर क्या बताया गया है वो देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर सेवन चैप्टर में क्या बताया गया है, पार्ट नंबर सेकंड जो है इस चैप्टर का उसका नेम है कुर्ग। ओके, ये एक प्लेस का नेम है, कौन सा, ये साउथ में रह जाता है, कौन सा, कुर्ग, और इसको लिखने वाले हैं लूसियो रॉड्रिक्स। कौन है, लूसियो रॉड्रिक्स नहीं है, इसके लोकेश एब्रोल है। कौन है, लोकेश एब्रोल। चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर सेकंड सेवन चैप्टर का कुर्ग इज रिटन बाय लोकेश एब्रोल। कुर्ग क्या है, कुर्ग एक प्लेस का नेम है, ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है ऑफ कर्नाटक। कहाँ पे, कर्नाटक में। कुर्ग जो है छोटा सा जिला है कर्नाटक का, ठीक है, इट इज अबाउट 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैंगलोर। ये कर्नाटक में मैंगलोर से कितने किलोमीटर दूर है, ये लगभग 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये जो प्लेस है ना, ये कहने का मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा जीवन को एंजॉय करने वाले हैं। लेखक कहते हैं कि जब कभी आपको मौका मिले तो आप कुर्ग जरूर जाकर घूम के आओ। यहाँ का जो आवास है, यहाँ की जो कहने का मतलब नेचुरल एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। कहाँ का, कुर्ग का। कुर्ग कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, और मैंगलोर से कितना, 250 किलोमीटर्स अवे दूर है ये, कहाँ से, कर्नाटक से, ठीक है। अब ये बात बताते हैं कुर्ग के लोगों की। कुर्ग के लोग जो हैं उनके मतलब कि ये धार्मिक अनुष्ठानों की बात करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान को इंग्लिश में बोलते हैं मार्टियल ट्रेडिशन, मार्टियल ट्रेडिशन। ये बात करता है कि जो कुर्ग है, यहाँ के जो लोग हैं ये कब कहाँ से आए थे। ये कहता है कि जब सिकंदर ने हमला किया था ना, जब सिकंदर ने हमला किया था तो उसकी सेना का कुछ पार्ट यहाँ बस गया था। ओके, कि जब सिकंदर की सेना ने हमला किया था तो उसकी सेना का कुछ पार्ट यहाँ रुक गया था। कहाँ पर, कुर्ग के अंदर है। और ये उन लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या कर लिए थे, शादियाँ कर लिए थे, और उसके बाद फिर उनके वंशज आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो जनरली जो हैं थोड़े से अपना उनका जो लाइफस्टाइल है अपने से अलग है, इसलिए लेखक वहाँ जाने के लिए अपने को कहता है कि वहाँ अट्रैक्टिव एटमोसफियर है, ठीक है। और ये सिकंदर की सेना का कुछ पार्ट था जो यहाँ रह गया था, और यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान है जो देखते ही बनते हैं, ठीक है। और जो लोग जो है यहाँ क्या मतलब कि अलग प्रकार की फंक्शंस हैं, अलग प्रकार का इनका लाइफस्टाइल्स हैं। बात करें इन लोगों के स्पोर्ट्स की, तो जो कुर्ग के लोग हैं इनका जो मेन स्पोर्ट है, क्या खेलते हैं ये, तो ये एक तो जैसे क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं ज़्यादा,
कहने का मतलब ये बोटिंग करते हैं, ओके। और वाटर स्पोर्ट्स, आप इसको ये मान के चलो कि इनको पानी से जुड़े हुए जो खेल हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं किनको, कुर्ग के लोगों को। उसके अलावा ये राफ्टिंग का इनको शौक़ है, यहाँ के लोग राफ्टिंग बहुत करते हैं। लेखक कहते हैं आप जब भी कुर्ग जाओ तो राफ्टिंग ज़रूर करके आओ, होता है ना बांध के अच्छे तरीके से सेफ्टी से, फिर यहाँ से वहाँ, मतलब कि वो एक रस्सी के सहारे पर्वतों के ऊपर, जो अपने एक प्रकार से रिस्की सा लगता है, राफ्टिंग होगी। उसके बाद ये यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ने का खेल बहुत है, माउंटेन क्लाइंबिंग, ठीक है। और उसके बाद ये वहाँ की वेजिटेशन की बात करते हैं, वनस्पति की। तो यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं वो ज़्यादा क्या हैं, स्पाइसेस हैं ना, जो अपने मसाले हैं जो वो ज़्यादा कुर्ग के अंदर पाए जाते हैं, वनस्पति में। उसके बाद बात करें कुर्ग के अपने एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स के अंदर, कुर्ग के अंदर जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा इस चैप्टर को। और इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल्स पूछ लिया, वेजिटेशंस पूछ ली, स्पोर्ट्स पूछ लिया, कहाँ है प्लेस पूछ लिया, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बात करें किसकी, कुर्ग के लोगों के, जो अपने बात कर ली स्पोर्ट्स की, ठीक है, पानी से जुड़े स्पोर्ट्स उनको अच्छे लगते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग भी, वाटर भी, उसके बाद ये कहने का मतलब बोटिंग करते हैं ये लोग, और स्पाइसेस मसाले वगैरह ज़्यादा यहाँ कुर्ग के लोग जो हैं, यहाँ जो वेजिटेशन है वो मसाले वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं कुर्ग के लोगों में, ठीक है, लोगों सॉरी कुर्ग के वनस्पति की बात करती हैं। तो स्पोर्ट्स की बात आ गई, एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एक तो स्केल्स मतलब गिलहरियाँ, स्केल्स का मतलब क्या होता है, गिलहरियाँ, ठीक है। डक्स बत्तखें, लियोपार्ड्स तेंदुए भी हैं लेकिन इतने नहीं हैं, लंगूर हैं और एलिफेंट्स हैं, हाथी भी हैं, ये वहाँ के एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर, इस पार्ट के अंदर अपने को पता करना था कि कुर्ग जो है एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कुर्ग सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट फ्राइड बुक द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट सेकेंड, कुर्ग इज रिटन बाय लोकेश एब्रोल, ओके। कुर्ग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज़ अबाउट 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मैंगलोर, ओके। द उसके बाद वेजिटेशन यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह पाई जाती हैं, और उसके बाद ये लोग जो थे, ये जो सिकंदर था उसकी सेना का एक पार्ट यहाँ रह गया, और यहाँ के लोगों का के साथ ही उन्होंने क्या कर ली, शादियाँ कर ली, तो उनके ही वंशज हैं ये कुर्ग के लोग। वेजिटेशंस होगी, एनिमल्स हो गए, वाटर और ये स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ें अपने को याद करनी है कि कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स वो खेलते हैं, और कौन कौन से मतलब कि वहाँ पे वेजिटेशंस पाई जाती है, और इस प्रकार, और लोग कहाँ कैसे हैं, किनके एक्सेंट मतलब कि वो वंशज हैं वो पता कर लिया, और कुर्ग कहाँ पर है और कैसे इसकी लोकेशन है ये पता कर लिया। आई थिंक इसके अलावा आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसी कड़ी में अपने इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का जो है वो है टी फ्रॉम असम। इतना तो आपको ही पता होगा कि असम की चाय जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। टी फ्रॉम असम इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द 7th चैप्टर, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये लिखा हुआ है अरूप कुमार
दत्ता ने, किसने लिखा बेटा, अरूप कुमार दत्ता ने, जो इसका सेकंड पार्ट था वो लोकेश एब्रोल का था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो लूसियो रॉड्रिक्स का था। ओके, तो टी फॉर असम, असम की चाय के बारे में बात की गई है। इसमें स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं कह सकते वैसे तो, लेकिन अपने इसको स्टोरी बना लेते हैं। प्रांजल इज ए यंग बॉय हु लिव्स इन असम। प्रांजल नाम का एक लड़का है जो कहाँ रहता है, असम रहता है। ठीक है, वंस एक बार हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त होता है राजवीर, कौन होता है राजवीर, कम्स टू असम विद हिम, उसका दोस्त होता है राजवीर, वो उसके साथ असम आता है। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, कौन राजवीर, ये दिल्ली में रहते हैं, ये कहाँ आता है, असम आता है, किसके साथ है, प्रांजल के साथ। प्रांजल टेल्स हिम अबाउट टू स्टोरीज लेटर टू टी। अब जब असम के ये नियर बाय अपने नज़दीक होते हैं, तो ये जो राजवीर है ना, ये वहाँ खिड़की से देखता है, ट्रेन में जा रहे होते हैं ये, तो ये खिड़की से देखता है, वहाँ चाय की बगान बहुत लगे हुए हैं। तो अब चाय को लेकर इनकी बात चलती है, और जो प्रांजल है वो उसको कहते, दो स्टोरियाँ सुनाते हैं। पहली स्टोरी में वो बताते हैं कि जो चाय है ना, ये क्या होता था कि पहले जो चाइनीज़ एम्पायर होते थे, जो चीन के सम्राट होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, पानी को उबाल कर पिया करते थे। ठीक है, द चाइनीज़ एम्पायर यूज्ड टू ड्रिंक बॉइलिंग वाटर। कौन सा वाटर बेटा, बॉइलिंग मतलब कि पानी को उबाल कर वो पिया करते थे। वंस ए चाइनीज एम्पायर वॉज डूइंग इट, एक बार एक चाइनीज सम्राट ऐसा कर रहा था, देन सम लीव्स फैलन इन टू द पॉट इन विच द वाटर वॉज बॉइलिंग, जिसके पॉट के अंदर वो पानी उबल रहा था उसके अंदर कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, इट गैव डिलीशियस, कहने का मतलब इसने क्या दिया, एक अलग स्वाद दिया, अलग मतलब कि टेस्ट दिया। ठीक है, एंड दीज वर टी लीव्स, और ये क्या थी, चाय की पत्तियां थी, आफ्टर इट, और जहाँ से ये गिरी थी पत्तियां, उसके बाद क्या हो गया, टी हैज़ बीन डिस्कवर्ड, टी का आविष्कार हो गया और लोग चाय पीने लग गए। ठीक है, दूसरी ये दंत कथा सुनाते हैं, डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टोरी आप याद रखो, कहानी, दूसरी कहानी ये बताता है किसके बारे में, चाय के बारे में, कि जो बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध, ठीक है, और वो ध्यानमग्न थे, उनकी जो भौहें थी, कहने का मतलब उनकी आँखों की पलकें जो थी ना, वो एक बार क्या हो गया, ध्यानमग्न होते हुए कहीं जाकर कुछ उसके जो अंश थे ना, वो कहीं जाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, और जब ये जहाँ गिरते हैं ना, तो कुछ पत्ते उगते हैं, और जब इन पत्तों को पानी में उबाल कर पिया गया, तो इन्होंने टेस्ट दिया, और जो लोगों को नींद आती थी, उनको नींद आनी क्या होगी, बंद होगी, कहने का मतलब बंद नहीं, मतलब कि उनमें एक नया एहसास, या कह सकते एक नई ताजगी का एहसास उनको होने लग गया। कहने का मतलब ये जो चाय है ना, इससे नींद खुलने लग गई, नींद कम आने लग गई, चाय जो है नींद आती थी, और ये पीने के बाद नींद क्या है, कम आने लगी। और इसका कारण था कि महात्मा बुद्ध जब ध्यानमग्न थे ना, उनकी जो ये आँखों के जो पलकों के जो ये बाल थे, ये जहाँ पर जाकर गिरे थे, ये क्या थे, टी लीव्स थे, और इन चाय की और ये जो है लीव्स जो सॉरी ये जो पलकों के जो बाल हैं, ये जहाँ गिरे थे, ये एक पत्तियों के रूप में मतलब कि पनपते हैं, और ये जो पत्तियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, ट्री लीव्स की, अपने टी लीव्स की होती हैं, चाय की पत्तियाँ होती हैं, और ये जब पानी में डालकर पी जाती हैं, तो इससे नींद दूर हो जाती है, जैसे
महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन के दौरान किया था। तो ये दो स्टोरियाँ सुनने के बाद फिर राजवीर इसके अंदर कुछ ऐड और करता है। वो कहता है कि जो ट्री है ना वो 16th century के अंदर आई थी, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। और जो इससे पहले जो चाय थी वो 2700 ईसा पूर्व, 2700 BC एंड 2700 ईसा पूर्व भी चीन के लोगों ने इसको पीना शुरू कर दिया था, लेकिन वो जो पीते थे वो कौन सी पीते थे, ब्लैक टी। और आज भी टी के बहुत टाइप हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओके। लेकिन सबसे पहले जो चाय लोग पीते थे 2700 ईसा पूर्व में, वो कौन सी पीते थे, ब्लैक टी पीते थे। और ये जो सही मायने में मतलब कि जो चाय का जो अपने कह सकते हैं कि प्रचलन चला था वो 16वीं सेंचुरी में चला था, ऐसा उसने कहीं से पढ़ रखा है। और इससे पहले ऑलरेडी जो प्रांजल हैं वो उसको दो स्टोरियाँ बता चुका होता है। एक तो महात्मा बुद्ध की पलकें जहाँ गिरती हैं, ठीक है, वहाँ से पत्तियाँ उगती हैं और ये पत्तियाँ चाय की होती हैं, ठीक है। और इससे क्या, पीने से नींद चली जाती है, और लोग आज भी इस धारणा को मानते हैं कि चाय पी लो नींद कम आएगी, ठीक है। और उससे पहले वो एक स्टोरी ये सुनाता है, कौन सी, उससे पहले ये स्टोरी सुनाता है, एक तो ये महात्मा बुद्ध वाली होगी चाय की पलकें वाली, उससे पहले कि वो जो चीन के लोग थे ना वो पानी को उबाल कर पीते थे, और एक बार कुछ पत्तियां उस पॉट के अंदर गिर जाती हैं, बर्तन के अंदर जिसमें पानी उबल रहा था, और इसने एक डेलीशियस टेस्ट दिया, और उसके बाद लोग वो पत्तियों को चाय उसमें पानी में डालकर पीने लग गए। और अब जो है इसको जो 16वीं शताब्दी के अंदर राजवीर कहता है कि इसका विकास ज़्यादा हुआ, हालांकि 2700 ईसा पूर्व भी क्या था, ब्लैक टी लोग किया करते थे, लेकिन ये सारी की सारी स्टोरी जो है उन्होंने ज़्यादातर जो इसमें जो है चाइनीज़ लोगों को आगे रखा। और टी जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, असम के अंदर जहाँ प्रांजल रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ तीन प्लेसेस के बारे में बताया बेटा। सबसे पहले अपने बात की गोवा में, गोवा की लाइफ जो है और वहाँ के कल्चर के बारे में, दूसरा कोर्ग जो कर्नाटक साइड में है, और थर्ड अपने असम में, असम के अंदर अपने टी के बारे में, टी लीव्स के बारे में दो तीन कहानियाँ सुनी हैं। एक तो प्रांजल सुनाता है, दो और एक कुछ फैक्ट बताता है उसका फ्रेंड राजवीर जो दिल्ली से आते हैं, प्रांजल असम में रहता है, टी लीव्स के बारे में, ठीक है। एक तो वो बुद्धिस्ट की स्टोरी सुनाता है और एक वो चाइनीज़ एम्पायर की सुनाता है। ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कोर्ग एक कर्नाटक का प्लेस है जहाँ पर अपने कोर्ग के लोग, कोर्ग के वंशज, कहाँ किनके वंशज, वो एलेक्जेंडर जो सिकंदर की सेना का कुछ पार्ट था उसके वंशज, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की एनिमल्स और वहाँ का स्पोर्ट्स इसके बारे में, और यहाँ बैकर के बारे में, वो ब्रेड बैंगल्स के बारे में, वो पैडर्स के बारे में, ठीक है। एटर्स ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हो गए, कम हो गए, लेकिन मेकर्स हैं। फर्नेसेस अब भी वहाँ पर है और लोग अब भी कुछ प्रोफेशन चलाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये प्रोफेशन क्या था, एक हाई प्रोफाइल बिजनेस कहलाता था। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, वो गोवा से है जो लूसियोलॉजिक्स का था। दूसरा लोकेश एब्रोल का जो अपने कुर्ग से, वहाँ के लोगों के बारे में था। पहला ब्रेड वालों के, गोवा के अंदर जो ब्रेड बैंगल्स थे उनके बारे में था। थर्ड टी के बारे में, जो असम की, इसमें प्रांजल और राजवीर की कन्वर्सेशन जो है वो पता चलती है, जिसमें एक तो वो चाइनीज एम्पायर की स्टोरी सुनाता है और दूसरे में वो किसकी स्टोरी सुनाता है, बुद्धिस्ट की सुनाता है। और जो प्रांजल है उसमें राजवीर है, वो उसमें ऐड कर देता है कुछ बातें कि ये पहले ब्लैक टी पीते थे 2700 ईसा पूर्व में, बाद में 16वीं सेंचुरी के अंदर क्या हो गई है, और ज़्यादा डिवेलप्ड हो गए वहाँ के लोग, उसको अलग अलग टेस्ट से पीने लग गए। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट में से अगर क्वेश्चन आता है तो शायद, मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कोई पूछे जाते हैं, तो आप इतना कीजिए और आपके लिए ये सफिशिएंट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा और इसको जो है आपने क्लियर भी किया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ में अपने कुछ और चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।